नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। ये है हमारी टाइम एंड वर्क की 8th वीडियो। इसमें आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि एक लड़का काम छोड़ के चला जाता है तो बताइए कितना काम बचा है और कितना टाइम लगेगा उसको पूरा करने में। इसको बहुत तरीके से घुमा फिरा के किया जाता है और इसमें कई सारी ट्रिक्स लगती हैं। मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि वो कैसे उसमें फॉलो होगी। अगर आप लोग ध्यान से समझ जाएंगे कंसेप्ट को तो ट्रिक लगाना आसान हो जाएगा और कभी भी आपको फॉर्मूलेज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है हमारा इस सीरीज का 20th क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कहता है कि दो हैं, एक ए है और एक बी है। ए की कैपेसिटी जो है वो 15 डेज है किसी काम को खत्म करने की और वही बी की कैपेसिटी 10 डेज है और दोनों मिल के किसी काम को शुरू करते हैं, काम को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है कि बी 2 दिन बाद ही बी चला जाता है, काम को छोड़ देता है। फिर जो बाकी काम बचा हुआ है इसको ए ही कंप्लीट करता है। तो अब पूछ रहा है कि पूरा काम करने में कुल कितने दिन लगे। तो यहां पे देखिए, ये काम यहां से लेके यहां से है ना, 0 डे से लेके एन डे तक ये काम चला। अब इसमें ये जो 2 दिन है यहाँ पे ए प्लस बी दोनों काम किए इन 2 दिनों में, और ये जो बाकी दिन है यहाँ पे सिर्फ कौन कर रहा है, ए कर रहा है। और आपसे ये डेज पूछ रहा है कि ये टोटल कितने समय लगे इस पूरे काम को करने के लिए। अब ये देखिए, यहां से लेके यहां तक 100% काम पूरा हुआ होगा और इन 2 दिनों में कुछ फ्रैक्शन काम पूरा हुआ होगा। अब हम लोग इसमें पहले कंसेप्ट समझाती हूँ, फिर उसमें आपको बताती हूँ ट्रिक क्या है। यहाँ पे देखिए, 2 दिन में ए और बी ने मिलके कितना काम किया होगा, कितना पार्ट उस काम का जो काम हमारा 100% होता है इसका कुछ फ्रैक्शन किया होगा। सपोज इतना काम पूरा कर लिया होगा इन्होंने, इतना काम बचा होगा जो कि ए को पूरा करना पड़े। तो हमें सबसे पहले ये काम पता करना है। क्यों? क्योंकि ये काम पता कर लेंगे तो हमें पता करना रहेगा कि कितना काम बचा हुआ है, उसको टोटल में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, इतना काम मिल जाएगा हमें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको पता करते हैं कि कितना किया। तो यहाँ पे देखिए 15 डेज और इसकी कैपेसिटी है 10 डेज, तो हम लोग पता करते हैं कि 2 दिन में कितना किए होंगे। अब इसकी कैपेसिटी होती है 1/, और ये है ना किस हिसाब से, ये होता है 1/A + 1/B, कितने दिन में दोनों मिलके पूरा काम करेंगे इसको पता कर लेते हैं। तो इसको कैसे हो जाएगा, ये 2 + 3/30 हो जाएगा एलसीएम। तो हम लोग क्या पता करेंगे यहां से टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हमारे यहां से निकल जाएगा 30/5 यानी 6 डेज। यानी अगर ये दोनों मिलके पूरा काम करते हैं आखिरी तक तो 6 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इन्होंने किया कितने दिन, 2 दिन। अब इन्होंने काम किया है सिर्फ 2 दिन, यानी 2 डेज में कितना काम पूरा किया होगा। जब 6 डेज में पूरा 1 यूनिट वर्क हो रहा है ए प्लस बी दोनों मिलके, तो आप बताइए 2 डेज में कितना किए होंगे। ये 2 डेज में हो जाएगा आपका 1/3 है ना, 1/6 × 2, तो 1/3 ऑफ वर्क, 1/3 वर्क यानी इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक, अब बताइए लेफ्ट कितना बचा होगा, लेफ्ट वर्क कितना होगा आपका, लेफ्ट वर्क होगा 1 - 1/3, तो ये कितना पोर्शन हो गया, 2/3 पोर्शन ये जो है बचा है। तो ये आपका कितना हो गया, अगर मैं इसको 100% इस तरह से बनाऊं तो इसके 3 टुकड़े कर दूं तो एक टुकड़ा आपका काम पूरा हो चुका है जो कि ए प्लस बी ने किया। अब ये 2 टुकड़े बचे हुए हैं जिनको ए करेगा। अब बताइए ये 2/3 वर्क ए को करना है, ये 15 डेज में ए पूरा काम करता था तो बताइए कितने दिन में 2/3 वर्क करेगा। बहुत आसान है पता करना। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको, यहां पे 15 डेज में 1 यूनिट पूरा काम करता है तो 2/3 यूनिट कितने दिन में करेगा, ये हो जाएगा 15 × 2/3, इसको डिवाइड कर दीजिए ये कितना हो जाएगा 10 डेज है ना। तो 10 डेज में हमारा ए पूरा काम करेगा 2/3 पोर्शन। इस तरह से आपने आंसर निकाल लिया 10 डेज और 2 दिन पहले ही कर चुका था, तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे जो काम लगेगा, ए प्लस बी मिल गए कितने दिन लगाए, 2 + A ने कितने दिन लिए, 10 दिन, तो कितने हो गए टोटल डेज, 12
डेज। यहाँ पे तीन लोग हैं आपकी बार, एक है ए, एक है बी और एक है सी। ए का कैपेसिटी आपको दी है 24 डेज में काम पूरा करने की, बी की 9 और सी की 12 डेज में। यहाँ पे बी और सी किसी काम को काम करना शुरू करते हैं और वो 3 दिन ही काम करते हैं। अगर ये काम यहां से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है इस दिन, तो यहाँ पे 3 दिन बी और सी करते हैं, इसके बाद ये दोनों ही काम छोड़ के चले जाते हैं और इसको बचे हुए काम को कौन करता है, ए करता है हमारा। और पूछ रहा है कि ए ने कितने दिन में उस बचे हुए काम को पूरा किया। तो आप लोग बहुत लंबा सॉल्यूशन करने लग जाते हैं, तो चलिए मैं आपको कंसेप्ट समझाती हूँ, ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, बी प्लस सी ने 3 दिन काम किया, तो जो बचा हुआ पोर्शन था वही ये कंप्लीट करेगा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तो हमें सबसे पहले पता करना है कि बी और सी ने मिलकर कितना काम किया होगा। तो ये बताइए, 3 दिन में कुछ काम किया होगा इस 100% का, 100% समझ लीजिए ये पूरा काम है, ठीक है। 3 डेज में बी प्लस सी ने कुछ काम किया। अब बी प्लस सी ने मिलकर 3 दिन में काम किया, तो बी अपनी कैपेसिटी से सपोज इतना पोर्शन किया है और सी अपनी कैपेसिटी से इतना पोर्शन किया है, ठीक है। ये सी ने किया, ये बी ने किया, तो बी ने 3 दिन में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, सी ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, तो कितना पोर्शन किया होगा ये हम लोग पता कर लेते हैं। तो देखिए, बी ने सी ने 3 डेज में कितना किया, बी की कैपेसिटी क्या है 9 डेज में पूरा करने की, तो 3 डेज में इसने कितना किया होगा, 3/9 यानी 1/3 ऑफ वर्क इसने अकेले पूरा कर लिया होगा 3 दिन में। सी ने कितना किया होगा, 3/12 यानी 1/4 ऑफ वर्क। अब देखिए, 1/3 ऑफ वर्क, 1/4 ऑफ वर्क 3 दिन में ही पूरे हो गए हैं, तो ऐड कर लीजिए कितना हो गया है, कंप्लीटेड कितना है, 1/3 + 1/4 कर लेंगे आप, ये हो जाएगा 7/12 ऑफ वर्क कंप्लीटेड। तो यहाँ पे लेफ्ट कितना हो जाएगा आपको, कितना बचा हुआ है, ये हो जाएगा 5/12 ऑफ वर्क। अब बताइए, ये 5/12 ऑफ वर्क ही तो हमारा ए करेगा, और ए की कैपेसिटी क्या थी आपकी, ए की कैपेसिटी थी 24 डेज में पूरा 100% करने की, और मुझे 100% तो कराना ही नहीं है, मुझे तो 5/12 पोर्शन कराना है। तो कितना हो जाएगा, 5/12 पोर्शन ऑफ वर्क है ना, कराने के लिए कितना होगा, 24 × 5/12, 12 × 10 डेज। तो हमारा इतना काम पूरा करने में कितने दिन लगे होंगे, 10 डेज, ठीक है। और पूरा काम कितने दिन में हुआ होगा, 13 डेज में, है ना। किसी तरह के क्वेश्चन पूछने बहुत इजी है। पे एक्स और वाई दो लोग हैं, एक्स की कैपेसिटी आपकी 20 डेज है और वही 12 डेज है आपकी वाई की कैपेसिटी। यहाँ पे एक काम शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे शुरुआत में 4 डेज सिर्फ एक्स अकेले काम कर रहा है और 4 दिन जब कंप्लीट हो जाते हैं तो 5वें दिन से आपका वाई ज्वाइन कर लेता है, यानी वाई प्लस एक्स दोनों मिलके बाकी काम को पूरा करते हैं। अब हमें नहीं पता कि ये काम कितने दिन में हो रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि 4+x डेज है ना, तो ये दोनों मिलके कितने दिन में पूरा का पूरा काम खत्म कर देते हैं, यहाँ पे ये काम पूरा खत्म होने में कितना समय लग रहा है। तो अब देखिए, यहाँ पे आपको ना डेज पता है ना, तो आपको यहाँ पे डेज भी पता है और एक्स की कैपेसिटी भी पता है। तो आप ऐसा करिए कि पहले इस पोर्शन को पता कर लीजिए कितना काम हो चुका है, फिर जितना बचा काम है उसको एक्स और वाई दोनों ने मिलके खत्म किया है, तो उससे हम लोग डेज पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे, दोनों मिलके पूरा काम खत्म करने में कितना समय लेते हैं और कुछ जो पोर्शन बचा उसको खत्म करने में कितना समय लेते हैं पता चल जाएगा। तो पहले तो हमें पोर्शन पता करना पड़ेगा, बचा कितना है। तो देखिए, 4 डेज में एक्स ने कितना काम किया होगा, जब 20 डेज में वो 1 यूनिट काम कर रहा है तो 4 डेज में कितना किया होगा, 1/20 × 4 यानी 1/5 ऑफ वर्क। तो ये कितना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो लेफ्ट वर्क कितना होगा, 4/5 ऑफ वर्क होगा, है ना। तो अब पता करना है हमें एक्स और वाई दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करते हैं, और तो उससे हमें 100% का पता चल जाएगा कि 100% काम खत्म करने में दोनों लोग कितने डेज लेते हैं। तो हम लोग पता कर लेंगे 4/5 काम करने में कितना दिन लेंगे। चलिए पता करते हैं, पता कैसे करते हैं, 1/x + 1/y इस तरह से आप 1 यूनिट 100% का पता करते थे। अब हमें फाइंड करना है कि 4/5 ऑफ वर्क कितनी देर में, तो इसको कर लेते हैं हम लोग 4/5
फाइव, तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। यही है कंसेप्ट। अगर आपसे पूछा जाता है टू अपॉन फिफ्थ ऑफ वर्क, तो टू अपॉन फिफ्थ ऑफ वर्क यही सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे कैपेसिटी रख लीजिए, 1/20, 1/12 = 4/5, और इसकी एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 + 5 = 4/5, और ये कितने आएंगे आपके डेज आएगा ना, डेज फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे डेज कितने आ जाएंगे आपके, ये हो जाएगा 8/60 = 4/5 ऑफ डेज, है ना। तो ये 4, 2 = 5, 1 और 12, 2, 6, है ना। तो यहां से डेज आपके कितने मिल जाएंगे, ये हो जाएंगे 6, है ना। 6 डेज आपको मिल गए इस काम को खत्म करने में, इतना पोर्शन। तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे, आंसर आपसे यही पूछा गया है कि टोटल डेज कितने लगे, 4 + 6 यानी 10 डेज में हमारा काम खत्म हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलके किसी काम को 30 डेज में पूरा कर देते हैं, लेकिन जब उसी काम को वो लोग काम करना शुरू करते हैं तो 20 डेज ही ए प्लस बी साथ में काम कर पाते हैं, कि 21st डे ही हमारा बी काम छोड़ के चला जाता है और ए फिर हमारा बचे हुए काम को 20 डेज में पूरा करता है। अब यहां पूछा है कि ए अकेले अगर इसी काम को करता तो कितने दिन में काम खत्म करता। अब देखिए 20 दिन में ए प्लस बी कितना काम किए होंगे, 30 डेज में जब वो पूरा काम कर ले रहे हैं तो 20 डेज में कितना किए होंगे, 1/30 × 20, तो यानी 2/3 ऑफ वर्क इन्होंने कर लिया होगा, तो ये 2/3 ऑफ वर्क हो चुका। बचा कितना, 1/3 ऑफ वर्क, है ना। देखिए कितना आसान है, 1/3 ऑफ वर्क कौन कर रहा है, ए। 1/3 ऑफ वर्क करने के लिए ए को कितने दिन लग रहे हैं, 20 डेज। अब बताइए 1/3 ऑफ वर्क करने के लिए ए को 20 डेज लग रहे हैं, तो आपसे पूछ क्या रहा है अकेले कितना काम करेगा, एक तिहाई काम करने में 20 दिन लग रहे हैं तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, 3 गुना दिन लगेंगे, 60 डेज। अब बताइए ये क्वेश्चन जब देखा था आपने, आप लोग लग रहा था टफ है, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, देखते ही सॉल्व कर लेंगे। टाइम एंड वर्क बहुत ही इजी चैप्टर है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मेरी पूरी सीरीज आप देखेंगे एक बार और पूरा रिवाइज कीजिएगा, टाइम एंड वर्क आपको कभी भी एग्जाम तक छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। प्लीज अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे लगता है कि हाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को समझ में आ रहा है, तो प्लीज आपका सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट यानी 24th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन जो कि आपका एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, यहाँ पे फिर से आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं आपको तरीका समझाने वाली हूँ, तो ध्यान से देखिए। और यहाँ पे बोल रहा है कि x अकेले 40 डेज में किसी काम को पूरा कर देता है, लेकिन x 8 ही दिन काम करता है, उसके बाद काम को छोड़ देता है, और बाकी काम जो है आपका y 16 डेज में पूरा करता है। अब बताइए कि x प्लस वाई दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में कर देंगे, तो आप बताइए 8 दिन में x कितना किया होगा, इसको पता कर लीजिए। y की कैपेसिटी आपको नहीं दी है, बस इतना बोला कि काम जो बचा उसको 16 डेज में कर देगा। तो आप देखिए यहाँ पे 8 डेज में कितना किया होगा x ने, 8 डेज में इसने किया होगा 1/40 × 8 यानी 1/5 ऑफ वर्क। तो ये बताइए y हमारा 16 दिन में कितना काम कर रहा होगा, 4/5 ऑफ वर्क कर रहा होगा ना, तो y की कैपेसिटी आप पता कर लेंगे, 4/5 ऑफ वर्क 16 डेज में, तो y हमारा 1 यूनिट वर्क कितने दिन में करेगा, 16 × 5/4 इसको डिवाइड कर लीजिए 20 डेज में, तो आपको अब कैपेसिटी पता चल गई है, ये 40 डेज में करता है और ये 20 डेज में। तो अब पूछ रहा है कि दोनों मिलके कितनी जल्दी कर देंगे, अब बताइए दो इसकी जो इफिशियंसी है इसकी हाफ है ना, तो यानी 1/x + 1/y कितने दिन में कर देंगे, तो ये देखिए 1/40 + 1/20 है ना, तो यहाँ पे देखिए 20 से कॉमन ले लीजिए, सबसे अच्छा आपका तरीका यही होता है, या इसको डायरेक्ट कर लीजिए आप, ये हो जाएगा 3/40 = 1 टोटल टाइम, तो टोटल टाइम आपका कितना आ जाएगा 40/3, तो ये कितना हो जाएगा 13 1/3 डेज,
इतने दिन में दोनों मिलके काम को खत्म कर देंगे। ये क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व किया था तो मुझे बहुत हंसी आई थी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसमें पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन वही है जैसे होता है हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो चलिए मैं बताती हूँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके किसी काम को 10 दिन में खत्म कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये तीनों मिलके काम को शुरू तो करते हैं, लेकिन 4 ही दिन काम किए होते हैं जब ए आपका काम छोड़ के चला जाता है, और बचे हुए काम को बी प्लस सी 10 दिन ज्यादा लेता है, 10 दिन ज्यादा लेता है एस्टिमेटेड टाइम से। आपके एस्टिमेटेड टाइम क्या था आपका? 10 डेज। कि काम तो शुरू किया था तीन लोगों ने, तो ये सोचा गया था कि 10 दिन में तीनों लोग मिलके खत्म कर देंगे, लेकिन हुआ क्या, 4 दिन ही तक ए रहा और 4 दिन बाद वो चला गया। फिर बी प्लस सी को 10 दिन और लगे। तो अब यहाँ पे आप बताइए, बी प्लस सी ने जो 10 दिन एक्स्ट्रा लिए वो किसके हिस्से की वजह से लिए? ए की वजह से। यानी ए का जो 6 दिन का काम था उसको पूरा करने में बी प्लस सी को 10 दिन लगे। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए ए को अकेले अगर काम करना पड़े तो कितने दिन में उसी काम को पूरा करेगा। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, तीनों लोगों का अलग अलग निकालेंगे। आप सोचेंगे बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है, ए प्लस सी है ना, ए प्लस बी, ये तो वैल्यू दी ही नहीं है, कैसे निकालेंगे। अच्छा यहाँ बताइए, मैं क्या बी प्लस सी, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि ए प्लस डी दो ही लोग थे? अगर मैं ये कह दूं दो लोग थे 10 दिन में काम पूरा कर रहे थे, ए प्लस डी मिलके यहाँ पे कर रहा था और ए चला गया, डी ने अकेले 10 दिन एक्स्ट्रा लिया, ऐसा कह सकते हो? तो यहाँ पे क्या हुआ, ए का 6 दिन डी को करने में 10 दिन लगे। जब आपने यहाँ पे डी मान लिया है बी प्लस सी को, अब बताइए ए का 6 दिन डी के 10 दिन के बराबर है। आपसे बोल रहा है कि ए को अकेले पूरा काम खत्म करने में कितने दिन लगेंगे, यानी अगर ये 10 दिन लग रहे थे पूरे, अगर यहाँ पे अब तक आप ए जा रहा था काम छोड़ के, अब सोचिए कि इसी बीच डी चला जाए, अगर डी चला जाए तो ए प्लस डी ने शुरू किया था, डी चला जाए तो ए ही तो पूरा करेगा, है ना। तो यहाँ पे आप बताइए ये पूरा काम अकेले यहां से यहां तक तो ए कर ही रहा है 10 दिन, फिर डी का काम भी करेगा वो बेचारा, तो डी का 10 दिन का ही तो काम ए को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डी का 10 दिन ए के कितने के बराबर है, 6 दिन के। तो 10 दिन ए ने अपना किया और 6 दिन में डी का काम पूरा कर दिया, यानी 16 डेज में ए अकेले काम को खत्म कर देगा।